हेलो दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या फिर कपल्स यहाँ पर गोवा के लिए घूमने के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस क्या-क्या है आज उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और उसी के साथ जॉब्स करने आ रहे हैं तो फिर आपके लिए कैसे होंगे जो घर या फिर मंथली बेसिस के जो है रूम्स कैसे रहते हैं उसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो फिर पहले बात करते हैं, अगर आप कपल्स के साथ या फिर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पर जो है रिजॉर्ट और कॉटेजेस, विलास, गेस्ट हाउस और उसी के साथ होटल रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इनका डेली बेसिस के ऊपर भी रहते हैं, मंथली बेसिस भी रहते हैं, लेकिन अमाउंट मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपको यहाँ पर जो है डेली अमाउंट जो रहता है यहाँ का, जो कि पेमेंट जो आपको करना रहता है, वो अप एंड डाउन रहता है, सीजन वाइज हो या फिर क्राउड के हिसाब से रहता है। उन लोगों का जो है हम रेंट नहीं बता सकते, लेकिन आपको कॉटेजेस में, होटल रूम्स में और उसी के साथ जो है बहुत सारे जो ऑप्शंस जो मैंने आपको दिया उसमें सस्ते भी मिलेंगे और उसके साथ महंगे भी मिलेंगे, लेकिन ऑप्शंस पे उसमें उतना ही कम। एक एक रूम्स रहते हैं कि एसी या फिर नॉन एसी, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो फिर ये था कि आप टूर करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शंस, और उसी के साथ आपको यहाँ पर जो है जॉब्स करने के लिए आ रहे हैं तो फिर आपके लिए आल्टोवेतिम या फिर परवरम के पास 2,500 रुपये से रूम शुरू होते हैं। 2,500 रुपये रूम में आपको जो है दो लोग सो सकते हैं आराम से, और बाथरूम भी उधर में उधर ही रहता है, लेकिन टॉयलेट जो रहता है वहाँ पर बहुत सारे, चार या फिर पांच रूम्स रहते हैं, उनके बीच में एक भी हो सकता है, या फिर अटैच वाला आपको 4,000-5,000 रुपये में देखने को मिलता है। और उसी के साथ आप यहाँ पर जॉब करने के लिए ही आ रहे हैं तो फिर आपके लिए 2,500 रुपये से रूम्स यहाँ पर मिलने को रेडी है। तो फिर ये थे यहाँ के जो रूम्स के इन्फॉर्मेशन, और फैमिली के साथ या फिर टूर करने के लिए आ रहे हैं तो फिर आपके लिए जो है ऑप्शंस यहाँ पर ये सारे थे। आपको और भी कुछ डाउट्स है तो फिर आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अमाउंट का बात करूँ तो फिर अप एंड डाउन चलता ही रहता है। मंथली बेसिस के ऊपर आप लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, या फिर डेली बेसिस के ऊपर लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन आप 4-5 दिन का आ रहे हैं घूमने के लिए तो फिर वो बात अलग है। फिर आपको जो कुछ भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसके बारे में मैं डिटेल से बनाऊंगा एक वीडियो।